बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज नया व्लॉग आप लोगों के साथ लेकर हाजिर हूँ। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सा अबाया, जो कि मैं दुबई से लेकर आई भी थी। मेरे पास अभी नया ही रखा हुआ था, तो वैसे तो ये मैंने अपने लिए लिया था, लेकिन अभी नया था तो मैंने ये आपको पहले मैं दिखा देती हूँ। ये बहुत ही प्यारा सा ब्लूइश ग्रे कलर है। ये फ्रंट ओपन है, ये सारा इसके ऊपर जो है ना नगों का काम हुए हुआ है। ये मैंने नाइफ सूख से लिया था, 230 का, 250 बताए थे उन्होंने, तो मैंने 230 में ले लिया था। ये बहुत ही अच्छा एक्सपेंसिव अबाया है, बहुत ही इसका फैब्रिक इतना अच्छा, प्योर सिल्क का फैब्रिक है इसका। और ये इसके शोल्डर्स पे ना इतना खूबसूरत सा काम हुए हुआ है। ये वेलवेट के ऊपर जो है ना पूरा कटवर्क का पैच है, और इसके ऊपर ये पूरा नगों का काम हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ये अबाया है। तो हुआ ये क्योंकि ये साइज़ तो वैसे 56 ही था, लेकिन मेरे ना काफ़ी ज़्यादा लूज़ था, ये बहुत बड़ा था, तो ये मैंने पैकिंग में ही रख दिया था। तो अब जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था के अंदर कि मेरे मम्मी हज से आए थे, तो मैंने ये वाला अबाया जो है ना अपनी मामी को गिफ्ट में दे दिया। और मैंने यहाँ से बेकरी से लिए केक्स, तो एक मामू मामी गए थे मेरे हज पे और एक मामू मामी के बहू और बेटा गए थे, तो मैंने उन दोनों के लिए ले लिया केक। और जो मेरे मामू मामी थे ना, उसमें से मामी को मैंने वो अबाया भी दिया और उनका ये केक भी लेके गई। तो अबाया उनको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, बहुत खुश हुई। और कहने लगी अब मैं जिस भी हज की दावत में जाऊँगी यही अबाया पहन के जाऊँगी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और मैंने बोला कि उनके ही नसीब का था, तो मैंने उनको गिफ्ट में दे दिया, क्योंकि उनका साइज़ भी मुझसे थोड़ा बड़ा है, तो उनके बहुत ही आराम से आ गया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फिर इस तरीके से मैं उनके घर चली गई थी ये केक वगैरह लेके, ये फ्राइडे वाले दिन की बात है। तो फिर हम लोग वहाँ पे रात तक रहे, रात को खाना वगैरह खाकर ही वापस आए थे। तो उन्होंने जो है ना उन्होंने मुझे ये हज का तबरुक भी दे दिया था, जो मैंने आप लोगों के साथ लाइव में शेयर किया था। अगर आप फुल डिटेल व्लॉग देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि मुझे हज से आने पर उन्होंने क्या क्या दिया। आज है संडे और आज है हॉल में दावत, तो मैंने लाइव किया था जिसमें मैंने व्यूअर्स से वोटिंग कराई थी कौन सा ड्रेस पहनूं मैं हज की दावत में, लेकिन उसमें से मैं नहीं पहन पाई क्योंकि पता चला कि काफ़ी ज़्यादा लोग आएंगे और बड़े हॉल में दावत है। तो फिर मैंने ये फैंसी सा ड्रेस पहन लिया था जो कि मुझे मेरे भाई ने ईद पर दिया था। तो अब हम लोग आ चुके हैं हॉल और मोहम्मद काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, अपने कज़न्स वगैरह के साथ खेल रहे हैं। और खाने में था बहुत ही यमी सा सालन, और ये चिकन और कीमा जो है ना साथ होता है चिकन के पीस, और यहाँ पर ये फ्राइड चिकन था, चिकन रोल्स थे, इसमें चीज़ फिल्ड थी, तो ये मैंने ले लिए थे। और बिरयानी भी थी, वो भी मैंने ले ली थी। तो यहाँ पर ये खाना अब हम लेके जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा खाना था। तो ये चिकन के पीसेस मैं अपनी मेरी टेबल पर जिस जिस को चाहिए थे सबके लिए लेकर आई थी, तो मैं सबको दे रही हूँ। तो फिर पता चला आखिर में मेरे लिए ही नहीं बचा। खैर मैंने फिर दोबारा जाकर देखा तो फिर मैं अपने लिए एक पीस लेकर आ गई। और मैं ये मज़ेदार सी काजू की आइसक्रीम भी थी जो कि बहुत ही मज़े की थी। डिज़र्ट में कोई मैंगो का चस्का भी था उसका नाम था, लेकिन मैंने वो लिया नहीं और ना ही उसकी वीडियो ली। तो खाने वाने के बाद बच्चों ने किया खूब इंजॉय, खेला कूदा, और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो दुआओं में अपनी याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।